मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के करहारी गांव से कल से एक बच्चा गायब है, जिसे लेकर गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा चहुं ओर बच्चे की तलाश की जा रही है, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बच्चे को ढूंढने में पुलिस भी लगी हुई है। आज अपने भतीजे को ढूंढने के लिए निकला चाचा, छाता शेरगढ़ रोड स्थित चमड़ा फैक्ट्री में पहुंचा। सूचना मिली थी कि बच्चा फैक्ट्री में है। गांव वालों के साथ चमड़ा फैक्ट्री पहुंचे चाचा ने, जब वहां पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से बच्चे के बारे में पूछा तो सिक्योरिटी गार्ड ने विकलांग युवक चाचा पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और इसकी शिकायत उसने शेरगढ़ थाने में की है। कंपनी के पास वहाँ मुझे एक लड़का मिला था सर, वो उसके कंपनी पर कूदता, तो मैंने उस भाई से कही थी कि भैया मेरा भतीजा हो गया था, आपने यहाँ पर मिला हो तो बता दो। तो उसने उन्हें कही अगर यहाँ पर नहीं है कोई है, मैंने देखा था तो तुरंत मुझे सरिया नहीं है भाई, बहुत ज़ोर से मारा था मैं, मैंने हाथ पांव तोड़ दिए मेरे, तो मुझे वो मेरे घर के ले गए थे। फिर उठाकर फिर तुरंत गांव वाले आए थे, फिर उन्होंने देने की खूब विकलांग आदमी था तो मुझे बहुत जोर से सरिया नहीं थी। मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के करहारी गांव से कल से एक बच्चा गायब है, जिसे लेकर गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा चहुं ओर बच्चे की तलाश की जा रही है, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बच्चे को ढूंढने में पुलिस भी लगी हुई है। आज अपने भतीजे को ढूंढने के लिए निकला चाचा, छाता शेरगढ़ रोड स्थित चमड़ा फैक्ट्री में पहुंचा। सूचना मिली थी कि बच्चा फैक्ट्री में है। गांव वालों के साथ चमड़ा फैक्ट्री पहुंचे चाचा ने, जब वहां पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से बच्चे के बारे में पूछा तो सिक्योरिटी गार्ड ने विकलांग युवक चाचा पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और इसकी शिकायत उसने शेरगढ़ थाने में की है। कंपनी के पास वहां मुझे एक लड़का मिला था सर, वो उसके कंपनी पर कूदता, तो मैंने उस भाई से कही थी कि भैया मेरा भतीजा हो गया था, आपने यहाँ पर मिला हो तो बता दो। तो उसने उन्हें कही अगर यहाँ पर नहीं है कोई है, मैंने देखा था तो तुरंत मुझे सरिया नहीं है भाई, बहुत ज़ोर से मारा था मैं, मैंने हाथ पांव तोड़ दिए मेरे, तो मुझे वो मेरे घर के ले गए थे। फिर उठाकर फिर तुरंत गांव वाले आए थे, फिर उन्होंने देने की खूब विकलांग आदमी था तो मुझे बहुत जोर से सरिया नहीं थी।